स्वागत है आपका आज की टेक न्यूज़ के अंदर। काफी जबरदस्त खबर है, आपको वीडियो को पूरा देखना है, लाइक बटन दबा दीजिएगा। तो चलिए हम अब वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। मोटोरोला H20 और H20 फ्यूजन, तो ये दोनों फोन की लॉन्च डेट फाइनल हो गई है। 17 अगस्त को आपको ये लॉन्च होते हुए दिख जाएंगे। इनकी अवेलेबिलिटी आपको फ्लिपकार्ट पे कंफर्म कर दी गई है, यानी फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको ये दोनों फोन सेल के ऊपर मिल जाएंगे। और IMAX इन्होंने अनाउंस कर दी अपनी पार्टनरशिप, और ये आपको देखने को मिल जाएगी Honor Magic 3 के अंदर। तो इसको टीज कर दिया गया है दोस्तों, सर्कुलर कैमरा आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन पे अभी आपको इसकी इमेज दिख रही होगी, काफी जबरदस्त लग रहा है। 12 अगस्त को इसकी लॉन्चिंग आपको शायद देखने को मिल जाए। IQOO 8 Pro दोस्तों, इसके अंदर कुछ लीक सामने आ रही है। 50 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा सेंसर इसमें मिलने वाला है, और साथ ही साथ बता दूं तो 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर दोस्तों, तो काफी अच्छी खासी अल्ट्रा वाइड इमेजेस आप ले पाएंगे। तो बस इंतजार है अब हमें 17 अगस्त का, जब ये फोन लॉन्च होगा। और आपको बता दूं स्नैपड्रैगन 888 प्लस भी इसके अंदर आने वाला है। सैमसंग E5 OLED स्क्रीन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। अगली न्यूज से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें बताइए, और चैनल पर नए सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा। Amazon और Flipkart दोस्तों, इनके ऊपर होने वाला है एंटी ट्रस्ट प्रॉब इन्वेस्टिगेशन। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए CCI ने भी ऑर्डर दे दिया है। तो अब देखने वाली बात यह होगी क्या इनमें से किसी ने भी एंटी ट्रस्ट लॉ को वायोलेट किया है या फिर नहीं किया। Samsung Galaxy Z Fold 3, तो दोस्तों अगर आपने इस फोन के लिए प्री रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको मैं बता दूं, आपको नोट पैक नाम का एक बंडल मिलेगा, और इसके अंदर आपको मिलने वाला है एक एस पेन, एक चार्जर और एक केस इस फोन के लिए। तो काफी अच्छे खासा एक सरप्राइज गिफ्ट दे रहा है सैमसंग प्री रजिस्ट्रेशन वाले कस्टमर्स को। सैमसंग गैलेक्सी S21 FE, तो दोस्तों इस फोन को टीज कर दिया गया इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूं, तो काफी अच्छा खासा ट्रिपल कैमरा के साथ फोन लग रहा है। मैं आपको बता दूं इस फोन को लॉन्चिंग होने वाली है सितंबर या अक्टूबर, अभी कोई फिक्स डेट आई नहीं है, इसका कोई ऑफिशियल टीजर अब तक आया भी नहीं है। ये इंस्टाग्राम के ऊपर टीज किया गया है दोस्तों, टीजर आपको देखने को मिल जाएगा जब ये फोन अच्छी खासी अटेंशन ग्रैब कर लेगा। BGMI बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया दोस्तों बैन कर दिया है। इसमें 3,36,000 से ज्यादा प्लेयर्स को, जो लोग चीटिंग कर रहे थे या हैकिंग यूज कर रहे थे गेम के अंदर। मैं आपको बता दूं इसी के साथ 48 मिलियन डाउनलोड्स पूरे हो चुके हैं, 50 मिलियन होने वाले हैं, और रिवार्ड्स आपका काफी जल्दी वेट कर रहे हैं दोस्तों। Honor X25G की दोस्तों स्पेक्स की लिस्ट सामने आ गई है, तो मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 900 चिपसेट देखने को मिलने वाला है। LCD स्क्रीन विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ बता दूं तो मेन कैमरा सेंसर 64 मेगापिक्सल का मिलेगा, और 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा सेंसर मिल जाएगा। बैटरी की बात कर लें दोस्तों, तो 4300 की बैटरी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको इसके अंदर 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग में देखने को मिलने वाली है। तो इस फोन की प्राइस रेंज अगर मेरे हिसाब से बताऊं तो 25,000 के आपको आसपास देखने को मिल जाए, और अगर ये 20,000 के करीब आ जाता है तो काफी अच्छी प्राइस की हो सकती है दोस्तों। HP ने लॉन्च कर दिए अपने दो नए लैपटॉप NV14 और NV15 के 2021 editions। तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको मिल जाते हैं Intel के 11th generation के core CPUs, और साथ ही साथ आपको मिल जाता है 16.5 hours का बैटरी बैकअप दोस्तों। तो काफी अच्छे खासे लैपटॉप से आ गए हैं। प्राइसिंग में आपको बता दूं तो आपको मिल जाएगी NV14 आपको मिलने वाला है 1,05,000 का, और NV15 आपको मिलेगा 1,55,000 का। तो काफी अच्छी खासी प्राइस रेंज भी आपको इनकी देखने को मिल जाती है। OnePlus Watch के हैरी पॉटर एडिशन आपको जल्दी इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर आपको 6 फेसेस देखने को मिलने वाले हैं। तो बात ये है देखने वाली कि जो रूमर्स आ रहे हैं वो सच कब तक होते हैं, और कब ये आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। दोस्तों एप्पल की तरफ से आ रहा है काफी बड़ा स्टेटमेंट निकल के, जो एप्पल का सिस्टम आने वाला था चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज फोटो चेक सिस्टम। तो मैं आपको बता दूं एप्पल ने उसके अंदर कहा है कि वो सिर्फ चेक करने वाला है iCloud के ऊपर अपलोडेड फोटोज को। इसी के बाद एप्पल आ गया है काफी बड़े इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर, और अब देखने वाली बात यह होगी इसके बाद क्या एप्पल इस सिस्टम को लेके आता है या फिर इसी को यहीं ड्रॉप कर दिया जाएगा। बुक टीज कर दी गई है दोस्तों, मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूं स्क्रीन के ऊपर। इंस्पायर्ड लग रहा है इसका डिजाइन जो है मैकबुक एयर से, और साथ ही साथ मैं बता देता हूं कि 18 अगस्त को आपको इसकी लॉन्चिंग देखने को मिल जाएगी। तो बस इंतजार है अब 18 अगस्त का, क्या क्या इसके अंदर मसालेदार चीजें हमें देखने को मिलती है। व्हाट्सएप वेब यूज करते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं व्हाट्सएप वेब के ऊपर आप फोटो एडिटिंग टूल जल्दी आने वाला है, अपडेट्स इसके रोल आउट होना शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं तो एंड्रॉइड के अंदर बीटा वर्जन में काफी सारी नई इमोजीज आ गई है,
तो हम भी उन्हें चेकआउट करेंगे और आपको जल्दी बताएंगे। वी का नया प्लान आ चुका है दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का रेड एक्स प्लान लॉन्च हो चुका है, फैमिली पैक प्लान है दोस्तों। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, दो प्लान लॉन्च किए गए हैं, 1699 और 2299। यानी आपको बता दूं तो 1699 वाला जो प्लान है उसके अंदर आप 3 मेंबर्स जोड़ पाएंगे, और साथ ही साथ बता देते हैं 2299 यानी 2299 की प्राइस में आप 5 मेंबर जोड़ पाएंगे। इसके अंदर आपको मिलने वाला है अनलिमिटेड डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और साथ ही साथ काफी सारे और बेनिफिट्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। आज की वीडियो को दोस्तों हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, लाइक दबा दीजिए, लाइक दबाने आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, काफी अच्छा लगता है आप लाइक करते हैं तब। साथ ही साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए जो लाल वाला नीचे आ रहा है दोस्तों, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, सायोनारा।